झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा संचालित मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया गया। इस बार जमशेदपुर में अभिजीत शर्मा समेत 6 परीक्षार्थी संयुक्त रूप से टॉपर घोषित किए गए। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित श्री रामकृष्ण मिशन हाई स्कूल के छात्र अभिजीत शर्मा को इस बार 10वीं की परीक्षा में 490 अंक मिले हैं और वह 5 अन्य छात्राओं के साथ संयुक्त रूप से टॉपर हुआ है। जैक रिजल्ट जारी होने के बाद अभिजीत ने स्टेट टॉपर होने पर खुशी जताई है। 10वीं बोर्ड परीक्षा के तैयारी के संबंध में उसने बताया कि वह हर दिन लगभग 7 से 8 घंटे पढ़ाई करता था। उसने यह भी बताया कि उसके पिता कर्ज लेकर उसे पढ़ा रहे हैं। फिलहाल जमशेदपुर के ही कदमा स्थित वर्ल्डविंड फॉर्म एरिया स्कूल में 11वीं में उसने नामांकन करवाया है। अभिजीत आगे पढ़कर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है और उसके बाद वह यूपीएससी की तैयारी करने की बात कह रहा है। सर, भले ही हम स्कूल नहीं गए बट हमारे स्कूली टीचर्स ने फिर भी ऑनलाइन क्लासेस करवाई हैं। उसका क्रेडिट टीचर्स को भी जाता है, ट्यूशन सर को भी जाता है, मेरे कंपटीटर्स को, मेरे दोस्त, मेरे पेरेंट्स, सबको जाता है। किसी एक को कंप्लीट श्रेय देना एकदम बिल्कुल गलत है। जी विश्वास तो नहीं हो रहा, एकदम शॉक्ड है रिजल्ट से, बट मुझे मेरा सपना था, मुझे विश्वास था कि किसी दिन ऐसा हो सकता है और हुए आज। सर आगे मुझे मेरा गोल है आईएएस ऑफिसर, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, देन हम आईएएस ऑफिसर यूपीएससी क्रैक करेंगे। सर सपोर्ट करते हैं सर, घर में मम्मी पापा और हम ही हैं, मेरा कोई भाई बहन तो वैसे नहीं है। घर की स्थिति सर काफ़ी अच्छी, मतलब बहुत अच्छी, एकदम बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी ख़राब ही है कह सकते हैं, बट फिर भी मम्मी पापा ने कभी अभाव महसूस नहीं होने दिया है, हमेशा सपोर्ट किया है, उन्हें हमेशा मेरे पर विश्वास रहा है कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। उसका परिणाम है कि आज हम इतना अच्छा कर पाए हैं। वहीं झारखंड टॉपर में नाम आने से परिजनों में काफ़ी खुशी देखी जा रही है। वहीं घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बातचीत में अभिजीत के पिता ने बताया कि उनके लिए खुशी की बात है। उन्होंने बताया कि कोविड काल में काम नहीं होने के कारण आर्थिक रूप से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, यहाँ तक खाने के लिए भी दिक्कत हो रही थी। उन्होंने बताया कि सेकेंड हैंड मोबाइल से अभिजीत पढ़ाई की है। हम लोग को देखिए उस समय क्या हुआ, एक तो हमारा काम बंद हो गया जिसके चलते हम लोग को समझिए कि चावल मांग कर भी खाना पड़ा, और उस समय ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई तो हम लोग के पास मोबाइल भी नहीं थी, तो हम लोग सेकेंड हैंड मोबाइल लिए, और लेने के बाद भी 2-4 महीने में हम लोग को बैटरियाँ ख़राब हो गई, जो वो भी फिर डैमेज हो गया, और उसके बाद फिर हम लोग को किसी भी तरह दूसरे से पैसे लेकर फिर ख़रीदना पड़ा था। तो ये बहुत कोरोना काल में हम लोग को कष्टदायक दिन गया है। वहीं उसकी माँ का कहना है कि वह तो विश्वास नहीं कर पा रही है कि वह झारखंड का टॉपर बन गया। उसने बताया कि अभिजीत कभी घर में किसी भी चीज़ के लिए दबाव नहीं बनाया, यही नहीं शिक्षकों के साथ साथ दोस्तों का अभिजीत को हमेशा समर्थन मिलता था। तो बहुत ही खुश हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे तो बोले सुन के बहुत मेरे को इतना फील हो रहा है, जो हम रो पड़े हैं, मेरा बच्चा को जब बाहर से घर में है तो मन लग रहा है उसको कब मिले, कब उसको गला मिले, कब उसको गद्दी में उठा ले। जो मेरा बच्चा इतना टॉपर किए है, जो मेरा उम्मीद था वो भी किया, उसको भी उम्मीद था जो हम झारखंड टॉपर हो, मगर वो चीज़ कर लिए हैं, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। उधर झारखंड में टॉप होने पर स्कूल में खुशी देखी जा रही है। स्कूल के प्राचार्य ने अभिजीत के साथ साथ उसके परिवार के सदस्यों को बधाई के साथ शुभकामनाएँ दी हैं। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि उनके स्कूल का बच्चा झारखंड का टॉपर बना है। उन्होंने कहा है कि उनके स्कूल से 100 बच्चों से इस बार मैट्रिक की परीक्षा दी थी, जिसमें 82 बच्चों ने प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं। बच्चा का नाम है अभिजीत शर्मा, आउट ऑफ 500 490 उनको प्राप्त हुआ, जो कि 98% है, और मैथ में 100 मिला, हिंदी में 100 मिला और साइंस में 100 मिला, तो ये उनका नंबर में अचीवमेंट है और हम लोग बहुत खुश हैं कि स्कूल का बच्चा इतना अच्छा मेहनत करके इतना नंबर प्राप्त किया, और सभी परिश्रम बच्चों का है, हम लोग तो हेल्पिंग हैंड थे, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सहायता की,
इन बच्चा आपने खूब मेहनत किया और उनका माँ पिताजी को बधाई कि उन्होंने बच्चों को सही मार्गदर्शन किया। और हमारे जो और सारे टीचर्स वगैरह हैं जो सभी विषय को पढ़ाए उनको भी बधाई देते हैं। अभाव में जीवन व्यतीत करने वाले अभिजीत ने पढ़ाई में कभी कोताही नहीं बरती और पूरी तन्मयता के साथ संसाधनों के अभाव में भी पढ़ाई करते रहे। उसी का नतीजा निकला कि अभिजीत झारखंड का टॉपर बन गया। रवि कुमार झा, ईटीवी भारत, जमशेदपुर।